नमस्कार, मैं हूँ दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 7 जून, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। एक बार फिर से स्कूल की टाइमिंग में हुआ बदलाव। बिहार के इन जिलों में बारिश की संभावना। क्या पवन सिंह के कारण हारे? किस सवाल पर उपेंद्र कुशवाहा का बयान आया सामने। बिहार के जिले में लग रहा रोजगार मेला। इस दिन पीएम पद के लिए नरेंद्र मोदी लेंगे शपथ। रोहित शर्मा ने तोड़ा धोनी का रिकॉर्ड। अब चले बढ़ते अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क और पीओ के पदों पर निकली भर्ती। ग्रामीण बैंक में आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क और पीओ के लिए भर्ती निकाली गई है। भर्ती प्रक्रिया आज से शुरू होगी। आवेदन करने की अंतिम तारीख 27 जून है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन 3 चरणों में होगा, जिसमें PT, मेंस और इंटरव्यू शामिल है। इस भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। एक बार फिर से स्कूल की टाइमिंग में हुआ बदलाव। बिहार में भीषण गर्मी के कारण प्रदेश के सरकारी स्कूलों को बंद करने का निर्देश दिया गया था। अब 10 जून को स्कूल खुलने वाले हैं। जब स्कूल खुलेंगे तो उस वक्त स्कूल की टाइमिंग अलग होगी। स्कूल की नई समय सारिणी सुबह 6:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक रहेगी। शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने स्कूल की नई समय सारिणी को लेकर आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें कि स्कूल की ये नई टाइमिंग 30 जून तक प्रभावी रहने वाली है। बिहार पैटर्न में आज हम बात करेंगे चंद्रधारी संग्रहालय के बारे में। चंद्रधारी संग्रहालय दरभंगा जिले का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। ये संग्रहालय दरभंगा जिले में दरभंगा रेलवे स्टेशन के पास में स्थित है। यहाँ पर आपको संग्रहालय के बाहर एक बहुत बड़ा बगीचा देखने के लिए मिलता है, जिसमें पत्थर की बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई गई हैं। यहाँ पर रामायण की बहुत सारी कहानियों को दिखाया गया है और बिहार के प्रमुख लोगों को दिखाया गया है और उनके बारे में जानकारी भी लिखी गई है। यहाँ पर लाइब्रेरी भी है। इस संग्रहालय की स्थापना 1957 में की गई थी। इस संग्रहालय में चंद्रधारी सिंह जी के द्वारा दी गई वस्तुओं का संग्रह देखने के लिए मिलता है, इसलिए संग्रहालय का नाम बदलकर चंद्रधारी संग्रहालय कर दिया गया। 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर सम्राट चौधरी का बड़ा बयान। लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में सियासी उठापटक तेज होती दिखाई दे रही है। अब इसी बीच सम्राट चौधरी का बयान भी सामने आया है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि हम 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। 1996 से हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे। इसमें क्या परेशानी है? आपको बता दें कि सम्राट चौधरी का यह बयान बीते दिन बिहार में बीजेपी की बैठक के बाद आया है। उन्होंने कहा कि बिहार में 75% सीटें जनता ने हमें जिताई हैं। ये हमारे कुशल चुनाव प्रबंधन का नतीजा है और जिन 25% सीट पर हमें हार मिली है उनकी समीक्षा कर रहे हैं। चुनावी ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले पुलिस कर्मियों के आश्रितों को मिलेंगे इतने रुपए। लोकसभा चुनाव अब समाप्त हो चुके हैं, लेकिन चुनावी ड्यूटी के दौरान कई पुलिस कर्मी ऐसे रहे जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक चुनावी ड्यूटी में करीब 28 पुलिस कर्मियों की मौत हुई है। अब जिन भी पुलिस कर्मियों की इस दौरान मृत्यु हुई है उनके आश्रितों को पुलिस मुख्यालय द्वारा कल्याण कोष से 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं कर्तव्य के दौरान घायल तथा गंभीर बीमारियों से ग्रसित पुलिस कर्मी और पदाधिकारियों को 3 लाख रुपए देने की तैयारी है। बिहार के जिले में लग रहा रोजगार मेला, जल्द करें आवेदन। बिहार में रोजगार युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खगड़िया में एक दिवसीय रोजगार सह मार्गदर्शन मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये मेला 8 जून को लगेगा। रोजगार मेला का आयोजन सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक रहने वाला है। इस मेला में युवाओं को ट्रांसपोर्ट सेक्टर या वेयर हाउस में रोजगार मिलने की संभावना होगी। इस दौरान मेले में 10वीं और 12वीं पास युवा भी भाग ले सकते हैं। चयनित युवाओं को 18,000 रुपये तक की सैलरी और अन्य सुविधाएँ दी जाएंगी। इस मेले का आयोजन DRCC भवन खगड़िया में होगा। रोजगार मेले में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवार को जरूरी है कि वे ऑनलाइन तरीके से या जिला नियोजनालय कार्यालय में ऑफलाइन तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। ऑनलाइन तरीके से निबंधन के लिए आपको www.ncs.gov.in पर जाना होगा। रोजगार मेला में शामिल होने के लिए जरूरी है कि आप अपने साथ अपने जरूरी कागजात जरूर ले जाएं।
प्रशांत किशोर ने लालू यादव और नीतीश कुमार जैसे नेताओं को दी चुनौती। प्रशांत किशोर अपने जन सुराज पद यात्रा को लेकर काफी चर्चा में हैं। उनके विधानसभा चुनाव लड़ने की काफी चर्चा हो रही थी। इस पर प्रशांत किशोर का बयान भी सामने आया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगला विधानसभा चुनाव वे मजबूती के साथ लड़ेंगे। वे जब चुनाव लड़ेंगे तो राजद लालू यादव और नीतीश कुमार जैसे नेताओं के दांत भी खट्टे हो जाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि वे मुझे धकेल दें या ये सबके बस की बात नहीं है। रात में गाड़ी ड्राइव करते वक्त इन बातों का रखें ख्याल। हम में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके पास चार पहिया वाहन यानी गाड़ी होंगे। गाड़ी हमारे लिए काफ़ी सुविधाजनक होते हैं। इसके जरिए हम धूप, बारिश और ठंड हर तरह के मौसम में कहीं भी सुरक्षित और आरामदायक सफ़र कर सकते हैं। लेकिन रात में चार पहिया वाहन चलाते समय हमें कई बातों का ख्याल रखना जरूरी है, वरना हमारी एक लापरवाही के कारण दुर्घटना भी हो सकती है। जब भी आप रात में गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो सबसे पहले गाड़ी हाई बीम पर चलाने से बचें, क्योंकि यदि आपकी गाड़ी हाई बीम पर होगी तो सामने वाले ड्राइवर की आंखों पर तेज रोशनी पड़ेगी और आप दोनों ही हादसे के शिकार हो सकते हैं। इसलिए लो बीम का इस्तेमाल करना ही सबसे बेहतर होगा। इसके अलावा रात में यदि गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो इंडिकेटर का इस्तेमाल करना ना भूलें, ताकि सामने वाले को पता हो कि आप गाड़ी किस दिशा में मोड़ रहे हैं। हमेशा अन्य गाड़ियों से उचित दूरी बनाकर रखें। साथ ही रात में ड्राइविंग के दौरान स्पीड का भी ख्याल रखें। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे विकास कुमार के बारे में। विकास कुमार का जन्म आज के ही दिन वर्ष 1977 में हुआ था। ये भारतीय अभिनेता, निर्माता और संवाद कोच हैं। उन्हें मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कारों में एसीपी खान के रूप में नामांकित, आर्या सीआईडी में वरिष्ठ निरीक्षक रजत, हावत में अभय, परमाणु में मेजर प्रेम, पोखरण की कहानी के लिए जाने जाते हैं। 2004 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा द लीजेंड ऑफ राम प्रिंस ऑफ इंडिया के कलाकारों और चालक दल के साथ विकास कुमार को सम्मानित किया गया था। उन्होंने एक लघु फिल्म सोनसी भी बनाई, जिसके लिए उन्हें बैंगलोर इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला था। इसके साथ ही इस फिल्म को 67वें राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी और लेडी फिल्म मेकर्स फेस्टिवल बेवली हिल्स में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म घोषित किया गया था। लोकप्रिय क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी बॉम्बे, डीयू और जेएनयू को मिला यह स्थान। देश के दिग्गज तकनीकी संस्थानों में से एक आईआईटी बॉम्बे और दिल्ली को एक लोकप्रिय क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष 150 यूनिवर्सिटी की सूची में जगह मिली है। वहीं डीयू केंद्रीय विश्वविद्यालय की सूची में सबसे ऊपर रहा। इस बार आईआईटी बॉम्बे को 118वें स्थान पर रखा गया है। इससे पहले आईआईटी बॉम्बे को 149वां स्थान मिला था। वहीं आईआईटी दिल्ली को इस बार 150वां स्थान मिला है। इस बार जेएनयू को इस सूची में 580वां रैंक मिला है। सरकार गठन से पहले नीतीश कुमार की पार्टी की होगी अहम बैठक। इस बार लोकसभा चुनाव में जदयू ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। इस बार के संसदीय चुनाव में जदयू ने पूरे 12 सीट हासिल किए हैं। अब आज जदयू के संसदीय दल की बैठक होने वाली है। ये बैठक दिल्ली में सुबह 9:30 बजे देखने को मिलेगी। इस दौरान पार्टी को लेकर कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। बीजेपी को 240 सीटें, टीडीपी को 16 सीटें और जदयू को 12 सीटें मिली हैं, जिससे केंद्र में सरकार बनाने में एनडीए की मदद करने वाली जदयू तीसरी सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। तो नीतीश कुमार केंद्र सरकार के सामने बिहार को लेकर कई बड़ी मांगे रख सकते हैं। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक ऐसी स्थिति में जदयू द्वारा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने की मांग रखी जा सकती है। इसके अलावा अग्निवीर योजना पर भी समीक्षा करने की भी मांग की जा सकती है। रिकॉर्ड में मृत बदमाश चढ़ा पुलिस के हत्थे। जहानाबाद के परस बिघा थाना क्षेत्र के ग्राम सेंधवा से खूंखार अपराधी व 2 लाख का इनामी अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। कार्रवाई के दौरान गैंग में शामिल 5 दूसरे अपराधियों को भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से पिस्टल, जिंदा कारतूस सहित अन्य सामान भी जब्त किए गए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि पुलिस के रिकॉर्ड में ये कई साल पहले ही मर चुका था। इसके बाद पुलिस के द्वारा किसी भी प्रकार की खोज खबर नहीं लेने के कारण ये अपने घर में छिपकर पुलिस की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एसपी द्वारा ये जानकारी दी गई है कि परस बेघा थाना क्षेत्र के ग्राम सिंधवा के निवासी और 2 लाख रुपए के नामी बदमाश पप्पू शर्मा को बुधवार की रात्रि में एसटीएफ की एक टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया।
पेपराजी द्वारा कैप्चर किए जाने वाले फोटो पर नेहा शर्मा का बयान आया सामने। इंडिया टुडे को दिए गए एक इंटरव्यू में नेहा शर्मा ने पेपराजी द्वारा गलत कैमरा एंगल से फोटो खींचने को लेकर बात की है। बिहार से संबंध रखने वाली नेहा शर्मा ने कहा है कि कैसे एक्ट्रेस लगातार पेपराजी के कैप्चर किए जाने वाले फोटो से असहज महसूस करती हैं। उन्होंने बताया कि कई बार वे निजता के हनन से प्रभावित होती हैं, हालांकि वो ये भी समझती हैं कि ये बिजनेस का हिस्सा है, लेकिन इससे महिलाओं की आज़ादी भी छिनती है। क्या पवन सिंह के कारण हारे चुनाव के सवाल पर उपेंद्र कुशवाहा का बयान आया सामने। लोकसभा चुनाव को हारने के बाद उपेंद्र कुशवाहा का बयान सामने आया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि पवन सिंह को लेकर अब वो क्या बोलेंगे, सोशल मीडिया का जमाना है, लिहाजा सभी को सब कुछ पता है। पवन सिंह कोई फैक्टर नहीं थे उनके चुनाव हारने में, वो खुद ही चुनाव लड़े और उनको लड़ाया गया। ये सब बताने की अब क्या जरूरत है, क्योंकि सच्चाई हर किसी को पता है। बिहार के जिलों में बारिश की संभावना, बिहार के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। बारिश की इन संभावनाओं के बीच ही ठंडी हवा का बहाव भी देखने को मिल रहा है, जिससे लोगों को पहले से थोड़ी राहत मिली है। प्रदेश में आज पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिले में एक या दो स्थानों पर मेघ गर्जन या वज्रपात के साथ तेज हवा की संभावना जताई गई है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री तो वहीं न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री रहने की बात कही गई है। सांसद बनते ही पप्पू यादव ने डॉक्टरों और अफसरों को दी चेतावनी। पूर्णिया लोकसभा सीट से जीतने के बाद पप्पू यादव अपने पुराने अंदाज में आते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र के डॉक्टरों और अफसरों को चेतावनी देते हुए कहा है कि वे गरीबों को तंग करना बंद कर दें। आगे उन्होंने कहा कि वे डॉक्टरों की इज्जत करते हैं, लेकिन जो खुद को माफिया कहते हैं और राजनीति करते हैं वे उनके खिलाफ हैं। ऐसे लोग सुधर जाए, नहीं तो उनके क्लिनिक में ताला लगवा दिया जाएगा। पटना जसीडीह पैसेंजर में अचानक लगी आग। लखीसराय के क्यूल रेलवे जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 4 पर गुरुवार को पटना से जसीडीह जा रही पटना जसीडीह पैसेंजर ट्रेन में अचानक आग लग गई, जिस वजह से रेलवे जंक्शन पर कुछ समय के लिए हड़कंप मच गया। साथ ही आग लगते ही ट्रेन में सवार यात्रियों में भी खलबली मच गई। ट्रेन में आग लगने की खबर मिलने पर रेलवे टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कवायद में जुट गई, जिसे कुछ ही समय में काबू भी कर लिया गया, जिसके साथ ही किसी जान के नुकसान की भी खबर नहीं है। न्यूज लिखे जाने तक आग लगने का पता नहीं चल पाया है। लीनन कपड़ों की ऐसे करें पहचान। गर्मी में हमें काफी सोच समझकर कपड़े पहनने की जरूरत होती है। यदि गर्मी में हम कपड़ों पर ध्यान नहीं दें तो ये हमारे त्वचा पर भी असर डाल सकता है। गर्मी के दिनों में हमेशा हल्की और लाइट कलर के कपड़े पहनना ज्यादा सही होता है। ऐसे में लीनन और कॉटन कपड़े ज्यादा सही होते हैं, लेकिन कई बार लोग इन दोनों कपड़ों में भी अंतर समझ नहीं पाते हैं। ऐसे में हम आपको बता दें कि लीनन का कपड़ा फ्लैक्स से तैयार होता है और ये काफी हल्का माना जाता है। ये कॉटन से भी ज्यादा सॉफ्ट होता है, लेकिन इसका रखरखाव काफी ध्यान से करना जरूरी होता है। कॉटन के मुकाबले ये काफी महंगा भी होता है। लीनन कपड़ा आमतौर पर लाइट कलर में ही आता है, अगर एक बार इसे मोरा जाए तो ये सिकुड़ जाता है। वहीं ये 2 से 4 बूंद पानी को भी आसानी से सोख लेता है और वहीं सबसे बड़ी पहचान इसकी होती है। इस दिन पीएम पद के लिए नरेंद्र मोदी लेंगे शपथ। लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए गठबंधन को बहुमत प्राप्त हुआ है। एक बार फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के लिए शपथ ग्रहण करेंगे। अभी तक कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी 8 जून को प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण ले सकते हैं, लेकिन अब खबर सामने आई है कि पीएम मोदी 9 जून को शपथ ग्रहण लेंगे। अब एक बार फिर से नई सरकार के गठन को लेकर कई तैयारियां की जा रही हैं। देश में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इस बार एनडीए ने 292 सीटें हासिल की हैं, वहीं विपक्षी गठबंधन के पक्ष में कुल 234 सीटें आई हैं। आज इस मामले में राहुल गांधी की कोर्ट में पेशी, बढ़ सकती है मुश्किलें। लोकसभा चुनाव के खत्म होते ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल शुक्रवार यानी आज राहुल गांधी को बेंगलोर की कोर्ट में पेश होने के लिए बुलाया गया है। आपको बता दें कि समाचार पत्रों ने बीजेपी को भ्रष्ट बताने वाले विज्ञापन को लेकर बीजेपी एमएलसी केशव प्रसाद ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिसके बाद आज उनकी बेंगलोर के कोर्ट में पेशी होनी है। मालूम हो कि कांग्रेस द्वारा स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन के जरिए आरोप लगाया गया था कि सभी सार्वजनिक कार्यों के क्रियान्वयन के लिए 40% तक का कमीशन वसूला गया है।
रोहित शर्मा ने तोड़ा धोनी का रिकॉर्ड। भारत ने T20 कप जीत के साथ शुरुआत की है। इस दौरान रोहित शर्मा और ऋषभ पंत ने शानदार पारी खेली, तो वहीं जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, हर्षदीप सिंह की गेंदबाजी भी धमाकेदार रही। भारत ने आयरलैंड को ओपनिंग मैच में 8 विकेट से शिकस्त दी है। अब 9 जून को भारत और पाकिस्तान के साथ मुकाबला होने वाला है। ये मुकाबला न्यूयॉर्क के नसाऊ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि शुरुआत मैच में रोहित शर्मा ने अपनी शानदार पारी के साथ ही 37 गेंदों पर 52 रनों की पारी खेली। इनकी पारी में 3 छक्के और चौके देखने को मिले। इस दौरान रोहित शर्मा ने कई रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिए हैं, साथ ही धोनी के रिकॉर्ड की बराबरी की है। धोनी ने भारत को 43 T20 मैचों में जीत दिलाई थी, तो वहीं रोहित शर्मा ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 43वीं जीत दर्ज करवाई है। कई कारणों से दर्ज है भारत इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1549 में बक्सर के निकास चौसा की लड़ाई में अफगान शेरशाह सूरी ने मुगल बादशाह हुमायूं को हराया था। आज के दिन वर्ष 1893 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में पहली बार सविनावज्ञा का प्रयोग किया था। आज के दिन वर्ष 1989 में भारत के दूसरे उपग्रह भास्कर प्रथम का सोवियत रॉकेट से प्रक्षेपण किया गया था। आज के दिन वर्ष 2006 में भारत द्वारा नेपाल को आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए 1 अरब रुपए देने का निर्णय लिया गया था। आज के वायरल खबर में हम बात करेंगे आबकारी विभाग योजना को लेकर वायरल हो रहे इस लेटर के बारे में। कई लोगों को आबकारी विभाग रोजगार योजना के तहत ग्राहक सेवा प्रतिनिधि की नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहे हैं। इसमें नियुक्ति से पहले 1390 रुपए की मांग की जा रही है, लेकिन आपको बता दें कि ये पत्र पूरी तरह से फर्जी है। सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है, इसलिए इस तरह के लेटर पर विश्वास करने से बचें। PIB ने भी इसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर शेयर किया है और इसे पूरी तरह से फर्जी बताया है। फोन के इस फीचर को इनेबल करने से आपातकालीन स्थितियों में सरकार आपको करेगी अलर्ट। नागरिकों को आपदाओं और आपातकालीन स्थितियों में सचेत करने के लिए भारत सरकार द्वारा वायरलेस इमरजेंसी सिस्टम शुरू किए गए हैं। ये सिस्टम नागरिकों को मोबाइल टावर्स के जरिए सेल ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अलर्ट भेजेगा। लोगों को ये अलर्ट फोन में SMS, पॉपअप या साउंड नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त होगा। यदि आपके फ़ोन में सिम या डेटा नहीं होगा, तभी आप आपातकालीन के दौरान ये इमरजेंसी अलार्म आपको अलर्ट करेगा। आपात स्थिति में बाढ़, भूकंप, भूस्खलन आदि की स्थिति हो सकती है। ये इमरजेंसी फीचर आपके फ़ोन में पहले से ही मौजूद है, इसे कहीं किसी ऐप से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होगी। इस इमरजेंसी अलर्ट को इनेबल करने के लिए फ़ोन की सेटिंग में सेफ्टी एंड इमरजेंसी वाले विकल्प में जाना होगा। यहाँ पर आपको वायरलेस इमरजेंसी अलर्ट के विकल्प को ऑन करना होगा। सरकारी स्कूलों के निरीक्षण का बदला नियम, KK पाठक के फैसले पर रोक। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव KK पाठक के लंबी छुट्टी पर जाने के बाद KK पाठक के फैसले को एक एक करके बदलने का सिलसिला तेज होता जा रहा है। गुरुवार को एक बार फिर से शिक्षा विभाग के प्रभारी अपर मुख्य सचिव S. सिद्धार्थ ने सरकारी स्कूलों के निरीक्षण को लेकर एक नया आदेश जारी किया है। KK पाठक द्वारा बिहार के सारे सरकारी स्कूलों के नियमित तौर पर निरीक्षण और कार्रवाई की व्यवस्था की गई थी। अब S. सिद्धार्थ द्वारा इसे पूरी तरह से बदल दिया गया है। अब नए सिरे से इंस्पेक्शन की व्यवस्था की गई है। सभी जिलों के स्कूलों के इंस्पेक्शन की जिम्मेदारी DDC को सौंपी गई है। DDC उस जिले में तैनात शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों के स्कूलों के इंस्पेक्शन का जिम्मा सौंपेंगे। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे, उसका जवाब बताएंगे, जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, चटगांव शस्त्रागार कांड के नायक कौन थे? ऑप्शन ए है गणेश घोष, ऑप्शन बी है चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन सी है सूर्य सेन, ऑप्शन डी है लाला हरदयाल। इसका सही उत्तर है सूर्य सेन। निम्नलिखित में से भारत के किस शहर ने सबसे पहले सत्याग्रह का उदाहरण देखा? ऑप्शन ए है सूरत, ऑप्शन बी है खेड़ा, ऑप्शन सी है चंपारण, ऑप्शन डी है अहमदाबाद। इसका सही उत्तर है अहमदाबाद। हरमिंदर साहिब को पूरा करने में किस सिख गुरु ने योगदान दिया था? ऑप्शन ए है गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन बी है गुरु रामदास, ऑप्शन सी है गुरु हरगोविंद, ऑप्शन डी है गुरु अमरदास। इसका सही उत्तर गुरु अर्जुन देव। बिहार से गुजरने वाला जीटी रोड किसने बनवाया था? ऑप्शन ए है इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी है बहलोल लोदी, ऑप्शन सी है सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी है शेरशाह सूरी। इसका सही उत्तर है शेरशाह सूरी। बाबू कुंवर सिंह की जन्मस्थली कहाँ है?
ऑप्शन ए है नालंदा, ऑप्शन बी है गया, ऑप्शन सी है जगदीशपुर, ऑप्शन डी है मुजफ्फरपुर। इसका सही उत्तर है जगदीशपुर। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने के नाम है गोनर शर्मा, कमलेश कुमार, जितेंद्र कुमार सहनी, शिवचंद्र मंडल, सोनू कुमार, राजीव कुमार, जितेंद्र ठाकुर, मंटू कुमार, मनोज ऋषिदेव, अंगद कुमार, राजेंद्र कुमार, वेद प्रकाश सिंह, आरव पटेल। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल को आज का सवाल है, आपने अपने जीवन में कौन सा प्राकृतिक आपदा अब तक देखा है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।